हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं स्मार्ट शरद टेक चैनल। फ्रेंड्स, आज सैटरडे का दिन है। आज एक वीडियो मैंने पोस्ट कर लिया है यूट्यूब में और वो टेलीग्राम में, वो भी था निफ्टी का चाल का था अपना 26 के लिए। और फ्रेंड्स, ये एक अनदर वीडियो है, एक फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कंपनी है और इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। कंपनी का ईच एंड एवरी एनालिसिस करेंगे और इसका बाइंग लेवल क्या रहेगा, सेलिंग लेवल क्या रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये कि इन्वेस्टमेंट तरफ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप लोग आपका ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स का सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लीजिए, मैं बोलने से मत लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते कंपनी के बारे में। ये कंपनी है इंडोको रेमेडीज लिमिटेड है और इट इज़ ए फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये मेडिसिन बनाता है जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, इंजेक्शंस, ड्राई इंजेक्शन, ये सब बनाते हैं। और API भी बनाता है, जो फॉर्मुलेशन मीन्स दो पार्ट है, API एक फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मीन्स जो टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप ये सब बनाते हैं, उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल देते हैं वो API भी इनका प्लांट है। API प्लांट भी इनका पास चार प्लांट है और साथ ही साथ उनका R&D सेंटर भी है, जो कि आज का फार्मास्यूटिकल कंपनी को कंपलसरी कर दिए जैसा लग रहा है। और ये इतना जो कंपनी का R&D सेंटर है वो इतना छोटा कंपनी तो नहीं, आप समझ सकते हो। और इसका ये कंपनी ने स्टार्ट हुआ है कभी से ना 1945। फ्रेंड्स, जब से अपना इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तभी से, एंड उसी टाइम का MD थे जो स्टार्ट किए थे, मिस्टर गोविंद रामनाथ कारे उनका फाउंडर है वो। और उनके बाद अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका, चेयरमैन उनका है सुरेश कारे करके, एंड MD मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पेडनेकर है, जॉइंट MD है संदीप बुम्बालकर। कंपनी में अभी एम्प्लॉयज है 5,500 अबव एंड 300 स्किल साइंटिस्ट है उनका। और R&D सेंटर उनका रबाले MIDC जो कि नवी मुंबई में आता है, एंड उनका हेड ऑफिस है मुंबई में अंधेरी, मुंबई सांताक्रूज अंधेरी में उनका हेड ऑफिस है। फ्रेंड्स, चलिए उनका काम कारोबार कैसा था फ्राइडे का एक बार नज़र डालते। फ्राइडे का इनका कारोबार था, क्लोजिंग था 146.05 में। ओके, और लो मारा था उसी दिन 135 रुपीज़ का, हाई मारा था 146.30 का। और 52 लो देखेंगे तो उनका था 134.40 का और हाई है 238.90। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 134586 करोड़ में है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, हर साल डिविडेंड देता है, फेस वैल्यू दो रुपये का है। और अभी वो 30 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का ऊपर ही काम कर रहा है। और उसका वीकली वन वीक में परफॉर्मेंस -3.88%, वन मंथ में -5.83%, सिक्स मंथ में उनका परफॉर्मेंस 16.09 माइनस में है, वन ईयर में -28% परफॉर्मेंस है। मतलब ओवरऑल देखा जाए एक साल में कुछ परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं है। और प्रोमोटर के पास टोटल उनका ये प्रोमोटर होल्डिंग है 58.68%, FII और FPI के पास 2.1% है होल्डिंग, टोटल DIA के पास 20.14 होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड के पास 13.13% होल्डिंग है, अदर DIA के पास 6.98 होल्डिंग है और अदर्स के पास 19% होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास 58.68% होल्डिंग मीन्स अच्छा ये एक निशाना है। ओके, और ये कंपनी अभी जो 52 वीक लो मार के अभी अप मूव दे रहा है, मेरे ख्याल से ये अभी अप मूव देगा अच्छे से, क्योंकि अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह का अभी उनका पर फोकस पड़ रहा है इंडिया सरकार का। और ये जो कंपनी है
ये USFDA अप्रूव्ड प्लांट है उनका, और MHR अप्रूव्ड प्लांट भी है, UK अप्रूव्ड प्लांट है इनका पास। मतलब काफ़ी सारा US का मार्केट इनका चलता है, डोमेस्टिक मार्केट तो है ही है उनका पास, US मार्केट में ज़्यादा फोकस है इनका इसके साथ साथ। और उनको अब भी फिलहाल में उनका गोवा प्लांट 2 प्लांट 1 में उनका USFDA पास करके लिया। आनासाई पर उनका एक हैदराबाद का है, वो भी USFDA अप्रूव्ड होके आया। साथ ही साथ API प्लांट में उनका USFDA अप्रूव्ड है। सो फ्रेंड, मुझे लग रहा है ये कंपनी अभी अच्छा ग्रोइंग कर सकता है, और उसके लिए एक ब्रोकरेज हाउस ने भी उनका रेटिंग दिया है। मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ब्रोकरेज हाउस ने बोल रहा है, ब्रोकरेज हाउस निर्मल वंग करके वो बाइंग का रेटिंग दिए है, स्ट्रॉन्ग बाइंग का, एंड टोटल टारगेट दिए है 1 to 1.5 ईयर में 290 रुपीज़ क्रॉस करेगा करके। ऑफ साइड में 92% का अप मूव वो देख रहे निर्मल वांग ने। तो कोई ब्रोकरेज हाउस ने इतना बड़ा रेटिंग देता है, मतलब कुछ सोच समझ के दिया होगा। ऐसा जैसे नहीं जब मैं बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा करके तो रेटिंग नहीं होता है। वो इतना बड़ा निर्मल वांग करके नाम है फेमस इंडियन मार्केट में, और वो अगर दे रहे रेटिंग 92% अप मूव दे रहे, मीन्स वॉट? अगर अभी हम लोग 150 के आसपास मार्केट अभी ये शेयर चल रहा है, अगर हम लोग उसका पर एक बार नज़र रखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 1 साल 1.5 साल का नज़रिया है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बोलूँगा अच्छा है कंपनी। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है, क्योंकि वो बॉटम में चल रहा है, उसको मस्त उसको निर्मल मंग ने जैसे दिए है 92% अप, मतलब वो 100% अगर आप दे रहे और टारगेट, मतलब बहुत बड़ा टारगेट है इनका। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार आपने इसका पर एक बार सोचिए, अगर अच्छा लगता है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो भी आपका आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी कोई रहेगा, आपका फ्रेंड लोग कोई भी रहेगा, कोई आपका जो जो जिसके नॉलेज है इस रिलेटेड, इनसे बात करके आप इसमें बारे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, और मैं आज नहीं तो कल तक कि बैंक निफ्टी का बारे में मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, और सवाल जवाब जवाब का भी एक वीडियो मेरे भी आने वाला है। आज नहीं तो मैं कल संडे तक मैंने कंप्लीट करूँगा। अगर आपको कोई सवाल है, कोई शेयर का रिलेटेड आपका कुछ पूछना है, आप ये वीडियो का कमेंट में जाके आपका शेयर का नाम लिखिए, और आपका कौन सा व्यू, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसा व्यू है वो भी उसके बारे में बताइए। मैं आपका वो शेयर का एनालिसिस करके आपको कल का वीडियो में डाल के दूंगा, वीडियो डालूँगा। चलिए फ्रेंड्स, और मेरे को लाइक कीजिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और आप दोस्तों लोग साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।